रीम बेटा, आज हम नॉन ट्रेडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटे? ये नॉन ट्रेडिंग की रिसीट साइड है और ये पेमेंट साइड है। बैलेंस, जब भी बैलेंस लिखा होगा उसे छोड़ देना है बेटे। इस बैलेंस का और इस बैलेंस का कुछ नहीं करना। ये इस बैलेंस और इस बैलेंस से क्या मुराद है बेटा? इससे मुराद है कैश इन हैंड, और इससे मुराद है कैश इन हैंड। दोनों से मुराद क्या है? कैश इन हैंड। ठीक हो गया रीम बेटे। नेक्स्ट देखो, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कहाँ जाती है सर? ये इनकम में जाती है बेटे। कहाँ जाती है? इनकम में। लाइफ मेंबरशिप फीस, ये कहाँ जाती है? इनकम में। इंटरेस्ट बेटा कहाँ जाता है? इनकम में। एडमिशन फीस कहाँ जाती है? इनकम में। मिसलिनियस रिसीट्स कहाँ जाती है बेटा? सर ये भी इनकम में जाती है। कहाँ जाती हैं बेटा? इनकम। सैलरीज बेटा, सर एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, फर्नीचर बेटा एसेट होता है, नहीं जाएगा। प्रिंटिंग एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस। ठीक हो गया रीम बेटे। आप जरा रिसीट साइड से मुझे बताओ कौन कौन सी इनकम्स हैं। जी बोलो। ठीक है रीम, बोलो बेटा। रीम बेटा, हमारे पास रिसीट साइड पे कौन कौन सी इनकम है? बैलेंस इनकम है या नहीं है? सर नहीं है। सब्सक्रिप्शन, नहीं है। सब्सक्रिप्शन बेटा इनकम होती है। कल आपने देखा ही नहीं है, कल जो मैंने फॉर्मेट बताया था उसमें देखो ना बच्चे, जा सब्सक्रिप्शन क्रेडिट साइड पे लिखी हुई है इनकम। लाइफ मेंबरशिप फीस भी इनकम, इंटरेस्ट भी इनकम, एडमिशन भी इनकम, मिसलिनियस रिसीट्स भी इनकम, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये इनकम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? डोनेशन होता तो इनकम होता। डोनेशन फॉर बिल्डिंग स्पेसिफिक हो गया, जब चीज स्पेसिफिक हो जाएगी तो इनकम नहीं होगी। बेटे दोबारा से सुनो, बैलेंस इनकम नहीं है, सब्सक्रिप्शन इनकम है, लाइफ मेंबरशिप फीस इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, एडमिशन इनकम है, मिसलिनियस रिसीट्स इनकम है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग इनकम नहीं है। रीम क्यों इनकम नहीं है सर? जब कोई चीज स्पेसिफिक हो जाती है, जब कोई डोनेशन स्पेसिफिक हो जाता है तो वो इनकम नहीं रहता। चलो अब मुझे रिसीट साइड से बताओ कौन कौन सी इनकम्स नहीं है। जी बेटा कौन कौन सी इनकम्स नहीं है? सर आवाज आपकी कट कट के आ रही है। अच्छा बेटा अब आ रही सर है आपकी रीम? आवाज कट कट के आ रही है। जी अब बेटे क्या पोजीशन है, अब आ रही है रीम बेटा? बैलेंस ब्रॉट डाउन जो होता है वो इनकम नहीं होती, वो कैश इन हैंड होता है, वो इनकम नहीं होती। सब्सक्रिप्शन इनकम होती है, लाइफ मेंबरशिप फीस इनकम होती है, इंटरेस्ट इनकम होती है, एडमिशन फीस इनकम होती है, जी मिसलिनियस इनकम होती है। डोनेशन होता तो इनकम होती, लेकिन डोनेशन फॉर बिल्डिंग है तो इनकम नहीं होगी बेटा। डोनेशन अगर स्पेसिफिक हो जाएगा तो फिर इनकम नहीं होगी बेटा। सिंपल डोनेशन होता तो इनकम होती, डोनेशन फॉर बिल्डिंग जो है वो इनकम नहीं है। आप बोलो, आप बताओ। क्या बेटा बैलेंस जो है वो इनकम है या नहीं है? बैलेंस ब्रॉट डाउन इनकम नहीं है सर। सब्सक्रिप्शन, नहीं है। सब्सक्रिप्शन इनकम, बेटा सब्सक्रिप्शन लाइफ फीस में मेंबरशिप बोलो फी इनकम, बेटा। इंटरेस्ट इनकम। सब्सक्रिप्शन भी इनकम होती है। सब्सक्रिप्शन बोलते किस चीज को है? मंथली फीस को। सब्सक्रिप्शन किसको बोलते हैं? मंथली फीस को। तो बेटा वो तो इनकम है ना, इनकम है। जी लाइफ मेंबर इनकम होगी, इंटरेस्ट जो है वो, इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट इनकम क्या होगा? ठीक है, मिसलिनियस एडमिशन और मिसलिनियस दोनों इनकम। इनकम इनकम डोनेशन फॉर बिल्डिंग, वो बेटा डोनेशन फॉर बिल्डिंग इनकम है या नहीं है? नहीं है। हाँ, डोनेशन होता तो इनकम होती, डोनेशन फॉर बिल्डिंग जो है वो इनकम नहीं है। ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा, सैलरीज एक्सपेंस।
रेंट एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, फर्नीचर एक्सपेंस नहीं है, फर्नीचर एसेट होता है रीम, प्रिंटिंग बेटा सर, प्रिंटिंग एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस और बैलेंस कैरी डाउन सर, ये भी एसेट होता है बेटा, बैलेंस कैरी डाउन हमारा एसेट होता है रीम बेटे, रीम बेटा आपकी आवाज कट के आ रही है। हाँ मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ सिग्नल शॉर्ट है बेटे, मैं कहीं रास्ते में हूँ। अच्छा अब आ रही है रीम जी। अच्छा बच्चे ऐसा है रीम कि ये जो एरियर्स होते हैं ना, एरियर्स सब्सक्रिप्शन के, ये सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाएंगे, एरियर्स जो है सब्सक्रिप्शन के वो सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाएंगे और डेप्रिसिएशन को बेटा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे लिख देंगे। चलो सुनो आप जरा, ये देखो 3260 मैंने क्रेडिट में लिखा और इसमें ये 700 ऐड कर दिया, ये 700 एरियर आउटस्टैंडिंग को बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाता है बेटा, आउटस्टैंडिंग क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अच्छा उसके बाद बेटा ये 500 मैंने लाइफ मेंबर लिखा, इंटरेस्ट 360 लिखा, 480 एडमिशन लिखा, 100 मिसलिनियस लिख लिया, ठीक हो गया। अब बेटे मैंने क्या किया सर, इधर से 1100 की वेजेस, 1000 का रेंट, 1100 का जनरल एक्सपेंस, 250 की प्रिंटिंग, 300 की रिपेयर, बेटा एक चीज रह गई है और वो क्या है, डेप्रिसिएशन। कितने परसेंट रीम डेप्रिसिएशन लेनी है सर, डेप्रिसिएशन लेनी है 10%, किस पे लेनी है, फर्नीचर पे। 1600 का 10% कितना बनेगा बेटा सर, 160, क्या बनेगा बेटे, 160, ठीक हो गया। 160 रीम बेटा, इन क्रेडिट वालों को ऐड करेंगे आंसर बनेगा 5400, 5400 को यहाँ पे लिखेंगे और ये ऊपर वाले सारे माइनस कर देंगे, 5400 में से 1160 260, और तो ये ब्लू वाला आंसर आ जाएगा, इसको बोलते हैं सरप्लस, क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। रीम बेटा आपने रिकॉर्डिंग सुननी है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसकी 2 मिनट की वीडियो बना के मुझे भेजनी है, मैं जरा बता देता हूँ आपने वीडियो में क्या बोलना है सर। बैलेंस जो होता है वो कैश इन हैंड होता है, वो एसेट होता है, सब्सक्रिप्शन इनकम, लाइफ इनकम, इंटरेस्ट इनकम, एडमिशन इनकम, मिसलिनियस इनकम, डोनेशन अगर होता तो इनकम होता, लेकिन डोनेशन फॉर बिल्डिंग है स्पेसिफिक हो गया, ये इनकम नहीं होगा। सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, फर्नीचर एसेट, प्रिंटिंग एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस और बैलेंस कैरी डाउन, ये कैश इन हैंड होता है सर। अब बेटा नीचे आ जाओ, एरियर्स सर, 700 के एरियर्स है वो सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाएंगे, एरियर्स बकाया जात को बोलते हैं, बकाया जात बेटा जमा हो जाते हैं, 10% डेप्रिसिएशन लेंगे फर्नीचर पे, वो 160 निकलेगी, उसको यहाँ लिख देंगे बेटा, क्रेडिट को ऐड करेंगे, क्रेडिट का ऐड करके यहाँ लिखेंगे और ऊपर वाले 1100, 1000, 1100, 160, 250, 300 को माइनस, तो सरप्लस आंसर आ जाएगा। रीम ये जो लास्ट पे मैंने बोला है, ये आपने रिक